नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीका दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में स्वागत है। तो देख रहा है कि मैं अभी एक थ्री फेस जो आपको यूमू है उसके जो ICF का ट्रॉली का साथ में, मतलब बोगी का साथ में जो एयर स्प्रिंग सिस्टम लगा होता है उसका पाइपलाइन कनेक्शन थोड़ा सा हम दिखाने का कोशिश करेंगे, जो कि आप लोग थोड़ा से इस वीडियो से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग LHB वाला देखे हैं तो ICF में LHB फेड बोगी में, तो इसका कोई पूछेंगे कि इसमें क्या फेल्यूर इंडिकेशन का ब्रेक एप्लीकेशन लगता है, लगाने से लगेंगे कुछ कुछ अब इसमें लगा होता है तो उसमें क्या है ऑटोमेटिक ब्रेक गाड़ी में लग जाएंगे, तो उसके लिए डिवाइस बनाने से बन जाएगा, कोई बात नहीं ऐसी। तो इसमें लेकिन आपको फेल्यूर इंडिकेशन काम ब्रेक एप्लीकेशन का पार्ट लगा नहीं है, तो मैं आप लोगों को इस बेलो में हवा कैसी पहुंच रहा है और बेलो का कैपेसिटी हमको इधर मिल रहा नहीं, अगर मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने बोलिए। तो मैं वीडियो शुरू कर रहा है एयर बेलो का सप्लाई लाइन जो होता है किस तरीका से मिलता है कि इसमें आपका FP प्रेशर नहीं होता है और दूसरा ट्रेन का शरीक MR FP BP इसमें BP रहता है और मेन रिजर्वर का कनेक्शन आता है और मेन रिजर्वर का कनेक्शन जहां इस आपको इस टाइप का इसमें मिलेगा। देखिए साइड लाइन से ये मेन रिजर्वर का कनेक्शन जाता है, ये देखिए इधर से मेरा, देखिए ये 150 लीटर का ऑक्जिलरी रिजर्वर का जो टैंक है इसमें इनपुट हो रहा है आइसोलेटिंग और डार्ट कलेक्टर और NRV का बाद में 150 लीटर का बाद में देखिए ये जो आपका आउटपुट हो रहा है, ये आउटपुट इसमें ड्रेन कॉक भी होता है तो आउटपुट आपका उस बीच में जाके टी ज्वाइंट में देखिए इधर लगे हुए है और उधर से आपको दोनों तरफ में आपका ये चले जा रहा है। आपका देखिए इधर आपका कनेक्शन, ये जो आपका लाइन आया है आपका इसी लाइन से, देखिए इधर एक आइसोलेटिंग कॉक दिख रहा है, ये आइसोलेटिंग कॉक यही आपका दोनों बेलो में दोनों तरफ सप्लाई जा रहा है और इसी पाइप आपका एयर बेलो में गया है। देखिए इधर से और मैं पीछे से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो देख रहे हैं ये जो पाइप आपको आ गया है, देखिए ऊपर से आया और नीचे से गया, ये देखिए लेवलिंग वाल्व में, ये जो लेवलिंग वाल्व दिख रहा है इस पॉइंट में इंस्टॉलेशन लीवर हॉरिजॉन्टल लीवर लगा हुआ है, उधर से जो पाइप आया है देखिए इधर आपको इनपुट हुआ, इधर से आपको इधर आपको एयर बेलो सप्लाई लाइन में गया है और ये आपका आउटपुट लाइन इधर नीचे में आपका 20 लीटर का देखिए ये दिख रहा है 20 लीटर का एक ऑक्जिलरी रिजर्वर एक बेलो के लिए और उसके बाद में ये एयर बेलो में इसका सप्लाई लाइन आपको आ जाता है और इसी तरीका से ये आपका राइडिंग इंडेक्स को बढ़ाता है और इसमें कोच को इस एयर बेलो जैसी कि बैठा है, देखिए एक वर्टिकल सेकेंडरी सस्पेंशन है, एक वर्टिकल शॉक अब्जॉर्बर इसमें लगा हुआ है और बूस्टर का देखिए अपर जो प्लैंक है और लोअर प्लैंक इस फ्रेम का अंदर में ये आपको इंस्टॉल किया गया है, इसका आइसोलेटिंग कॉक भी देख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया इसको लाइन आपको दिखाने के लिए, इधर से आपको एक लाइन जाएगा जो कि आपका इसमें भी डुप्लेक्स चेक वाल्व रहेगा, ये जो लाइन गया है दोनों, ये लाइन जो गया है ये आपको डुप्लेक्स चेक वाल्व में जाएगा, दोनों बेलो का जो डुप्लेक्स चेक वाल्व अंदर में फिटिंग रहेगा, लेकिन दिखा नहीं सक रहे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि डुप्लेक्स चेक वाल्व का काम होता है कि दोनों एयर बेलो में जो कि 1.5 बार का डिफरेंशियल प्रेशर में ये डुप्लेक्स चेक वाल्व काम कर जाता है और दोनों एयर स्प्रिंग और मतलब गाड़ी को आपका कोच को टिल्ट नहीं होने देते और इस तरीका से वो बैलेंस बना के रखते हैं, तो डुप्लेक्स चेक वाल्व का काम है। लेवलिंग वाल्व का काम जो होता है कि ये जो कार बॉडी का जो हाइट होता है, जैसे कि इधर तो आपका सेमी परमानेंट कपलर लगा हुआ है तो ये सेमी बन रहा है, इसका भी जो हाइट है उस हाइट को मेंटेन करते रहता है, मतलब इस कोच में अगर ज़्यादा आदमी चढ़ते तो इसमें प्रेशर
इनपुट होता है और प्रेशर इनपुट होता है ये हॉरिजेंटल लीवर और इंस्टॉलेशन लीवर का एडजस्टमेंट से। और अगर लोड कम हो जाता है तो इसमें जो प्रेशर एक्स्ट्रा रहता है तो इधर एग्जॉस्ट पोर्ट है लेवलिंग वाल्व में, इस लेवलिंग वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट से वो निकल जाते हैं और रिजर्वर जो 20 है उनका प्रेशर आपको इधर आते हैं और इधर से फिर से इधर जो रिजर्वर में आपका इस लाइन से ये प्रेशर फिट करता है, तो ये प्रेशर हो गया MR प्रेशर। चलिए फ्रेंड्स, इस तरीक़ा से आप लोग जान पाए कि एक आपका EMU जो 3-phase EMU में जो एयर बेलो लगे है उसका जो कनेक्शन और उसका किस तरीके से काम करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जानकारी से कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक सूच रहिए, सुरक्षित रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।